सो या लेट्स टॉक अबाउट रिकर्शन. रिकर्शन इज अ टेक्निक जहां पे वॉट यू डू इज अ फंक्शन दैट यू हैव रिटन कॉल्स इटसेल्फ. सिंपल फंड है. रिकर्शन में आप एक ऐसा कोड लिखते हो जहां पे एक फंक्शन खुद को कॉल करता है. दैट्स द आइडिया. ठीक है. अब क्या फायदा होता है इससे? इससे ये फायदा होता है कि आपको लूप चलाने का जरूरत नहीं पड़ता है. ठीक है. आप विदाउट लूप चलाए भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. अब रिकर्शन इंडस्ट्री में बड़ा फेमस है बोथ फॉर पॉजिटिव रीजंस एंड नेगेटिव रीजंस. पॉजिटिव रीजन ये कि थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है तो पीपल टेक प्राइड कि उनको रिकर्शन आता है. इसलिए इंटरव्यूज वगैरह में किसी कैंडिडेट का लेवल समझने के लिए लोग रिकर्शन के क्वेश्चंस पूछते हैं. बट इंडस्ट्री में जनरली जब आप काम करोगे किसी कंपनी में तो प्रोबेबली आप रिकर्शन का सॉल्यूशन यूज नहीं करते हो. आप हमेशा लूप्स ही चलाते हो क्योंकि रिकर्शन वाला सॉल्यूशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है. और सेकंड, कभी कभी इनएफिशिएंट कोड रहता है रिकर्शन का जो लूप नहीं होता है, लूप से नहीं होता है. ठीक है. इनएफिशिएंट कोडिंग नहीं होता है. सो इफ यू आस्क मी रिकर्शन वर्सेज आइटरेशन यानी कि लूप कौन सा प्रेफर करना चाहिए, तो अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो आपको रिकर्शन अच्छे से सीखना चाहिए बिकॉज इंटरव्यू में पूछा जाएगा. बट अगर आप कंपनी में काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो आपको लूप्स चलाना ज्यादा अच्छे से आना चाहिए इन कंपैरिजन टू रिकर्शन. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी कंपनी, आपकी टीम ये डिसाइड करेगी कि हमें इटरेटिव सॉल्यूशन चाहिए, हमें रिकर्सिव सॉल्यूशन नहीं चाहिए. ठीक है. अब ऐसा क्यों होता है कि रिकर्शन का कोड इनएफिशिएंट होता है, वो थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे. बट लेट्स स्टार्ट विद समथिंग. ठीक है. ये सब थोड़ा फालतू ही है. सो रिकर्शन हमने जस्ट डिस्कस किया. एक काम करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसको यूज करके वी कैन डू रिकर्शन. ठीक है. सो लेट्स से हमारे पास पाइथन में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर नहीं है. लेट्स से 5 × 6 आप डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि पाइथन में फीचर ही नहीं है. और आपको बोला जाए कि यू हैव टू कोड दिस फीचर, यू हैव टू प्रोग्राम दिस फीचर कि उस फंक्शन को अगर आप दो नंबर्स देते हो तो आपको पलट के प्रोडक्ट मिलना चाहिए. अगर आपको इस तरह का एक प्रोग्राम लिखने को बोला जाए तो देर आर टू सॉल्यूशंस टू दिस प्रोग्राम. वन इज लूप चला करके एंड सेकेंड इज रिकर्शन. सो हम अभी क्या करेंगे, हम लोग दोनों सॉल्यूशंस वन बाय वन देखते हैं. ठीक है. तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, मतलब कुछ नया नहीं है इसमें, मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन. सो अगर आपको कोई बोले कि आपको 4 × 5 करना है तो आप करने क्या वाले हो, आप 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कर लो. मतलब दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली सेम, दोनों का आउटपुट 20 है. तो मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन. तो आप ये काम कर सकते हो, ये सेम लॉजिक आप लगा सकते हो बाय राइटिंग दिस फंक्शन multiply, और यहां पे हमने पास किया a, b. ठीक है. दो नंबर्स मिले मुझे, मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम, एक्चुअली कीवर्ड है एड बोल के या रिजल्ट बोल के, और इसका इनिशियल वैल्यू मैंने सेट कर दिया 0. और फिर मैंने लूप चलाया फॉर आई इन द रेंज ऑफ 0 से लेके b तक. ठीक है. और लूप के अंदर मैंने क्या किया, मैंने रिजल्ट में रिजल्ट प्लस a कर दिया एंड दैट्स इट. और उसके बाद मैंने बस प्रिंट कर दिया वॉट एवर इज स्टोर्ड इनसाइड रिजल्ट. ठीक है. और बाहर आकर के मैंने कॉल कर दिया मल्टीप्लाई 3, 4, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ ओवर हियर enter. और अब इस कोड को अगर आप रन करो तो यू कैन सी द आंसर इज 12. अगर आपको समझना है कोड कैसे काम कर रहा है तो मैंने ऑलरेडी आपको लॉजिक बता दिया, बट अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन गो टू पाइथन ट्यूटर एंड लेट्स क्विकली रन दिस कोड, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. सो लाइन नंबर सीधे 10 पे जाओगे, 10 में आप ए और बी को सेट कर दोगे, रिजल्ट का वैल्यू 0 कर दोगे और अब आप लूप चलाना स्टार्ट करोगे. लूप कितनी बार चलेगा, अगर बी का वैल्यू 4 है मतलब 0 से 4 मतलब 4 बार चलेगा. ठीक है. पहली बार आई का वैल्यू 1 है, रिजल्ट का वैल्यू 3 हो गया क्योंकि
ए का वैल्यू 3 था प्लस रिजल्ट का वैल्यू 0 था तो 3 हो गया, ठीक है। अब आई का वैल्यू 1 हुआ और रिजल्ट का वैल्यू ऑलरेडी 3 है, ए का वैल्यू ऑलरेडी 3 है तो रिजल्ट का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है। फिर आई का वैल्यू 3, रिजल्ट का वैल्यू 9, और जब रिजल्ट डन नन, यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया, ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन। नाउ इफ समवन आस्क्स यू कि व्हाट इफ मुझे ये सेम कोड रिकर्शन से करना है, मुझे लूप यूज नहीं करना, ठीक है, तो क्या करेंगे, दैट्स द क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो, रिकर्शन में आप दो चीजें करते हो, अभी आप आगे आप काफी सारे रिकर्शन के प्रोग्राम्स करोगे, और कभी भी आप रिकर्शन का प्रोग्राम जब अप्रोच करो तो दो चीजों के ऊपर आपको फोकस करना होता है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज कि आप बेस केस पता करते हो, बेस केस। सो बेस केस क्या होता है कि बेस केस एक ऐसा चीज है जिसका वैल्यू आपको पहले से पता रहेगा, जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता रहेगा, मतलब आपको उसके लिए कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, ठीक है। और सेकेंड चीज जो आप पता करते हो वो होता है कि आप अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में कैसे डिकम्पोज करते हो, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट मी शो यू, मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ या इसी फाइल में काम कर सकते हैं, कि अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आपको 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है, तो इसका मतलब आप 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कर रहे हो, राइट। या फिर आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो, 3 प्लस 3 टाइम्स 3, राइट। या फिर आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो, 3 प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स 3। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 टाइम्स 3। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, आपको जो 3 क्रॉस 4 करना था उसको आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, प्रॉब्लम को 3 क्रॉस 4 को आपने ब्रेक डाउन किया टू 3 प्लस 3 क्रॉस 3। फिर आपने इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन किया 3 प्लस 2 क्रॉस 3। फिर आपने इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन किया 3 प्लस 1 क्रॉस 3, ठीक है। और यहां पे बेस केस क्या होगा, इस केस में बेस केस आपका हो जाएगा, अगर बी इज इक्वल टू 1 है तो आपको हमेशा पता रहेगा कि आपका आंसर ए क्रॉस बी का विल ऑलवेज बी ए। मतलब अगर आपका बी 1 है और ये ए है, मान लो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 क्रॉस 1। सो अगर आपका बी 1 है तो आपका प्रोडक्ट विल ऑलवेज ऑलवेज बी ए, तो यू कैन रिप्लेस दिस एंटायर एक्सप्रेशन विथ 3। और अब आपको प्रोडक्ट करना ही नहीं है, अब सिर्फ आपको एडिशन करना है, एंड दैट इज इजी, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये कोड लिखना होता रिकर्शन में तो आप कुछ ऐसे लिखते, MUL, आपको एक नंबर मिलता, आपको दो नंबर्स मिलते ए कॉमा बी, तो आप पहले ही चेक कर लेते कि इफ बी इज इक्वल टू 1, तो आपको पता है आंसर क्या है, आप रिटर्न कर देते ए, ये तो सिंपल है। बट अगर बी का वैल्यू 1 नहीं है तो अब आप क्या करोगे, अपनी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में सॉल्व करोगे, तो यू विल राइट रिटर्न ए प्लस, इसी फंक्शन को फिर से कॉल करोगे और इस बार आप पास कर दोगे ए कॉमा बी माइनस 1, एंड दैट्स द कोड गाइस। बस आपको इतना ही लिखना है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ MUL 5.6 और इसको मैं रन करूं, तो यू शुड गेट एन आंसर विच इज 30, ठीक है। और अब अगर आपको समझना है कि हुआ क्या यहां पे इंटरनली, तो वी कैन अगेन गो टू पाइथन ट्यूटर, और यहां पे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 3.4, ठीक है, देखना क्या होगा। सो रिकर्शन में क्या होता है कि आप सेम सब कुछ, वो होगा 8 पे जाओगे और आपने मल्टीप्लाई को कॉल करके ए और बी को वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब आप लाइन नंबर 3 में गए और आपने चेक किया कि बी का वैल्यू 1 है कि नहीं, ऑब्वियसली बी का वैल्यू 1 नहीं है, तो आप लाइन नंबर 4 के बदले लाइन नंबर 6 में जाओगे, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे आपको रिटर्न करना है कुछ, और रिटर्न क्या करना है, ए प्लस इस फंक्शन को कॉल करने से जो मिलेगा उन दोनों का सम। तो ए तो इजिली सॉल्वेबल है, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको फंक्शन कॉल लेना पड़ेगा। तो अब क्या कर रहे हो, आप इस फंक्शन से यू आर गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन अगेन, और इस बार आप ए का वैल्यू 3 पास कर रहे हो बट बी का वैल्यू 3 पास कर रहे हो 4 के बदले, ठीक है। वापस आप अब अंदर वाले फंक्शन में हो,
यहाँ पे फिर से आप इफ बी इज इक्वल टू वन में गए, ऑब्वियसली फिर से ट्रू नहीं है कंडीशन, तो आप फिर से लाइन नंबर सिक्स में गए, अगेन यू हैव टू रिटर्न, और फिर से ए तो आपके पास है बट आपके पास ये एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप फिर से फंक्शन कॉल लोगे, अब इस बार बी का वैल्यू टू हो जाएगा उस फंक्शन में, ठीक है। फिर से आप थ्री में आओगे, फिर से आप लाइन नंबर सिक्स में जाओगे, और फिर से आपको एक और फंक्शन कॉल लेना पड़ेगा विथ दिस, ठीक है। और अब जब आप लाइन नंबर थ्री पे जाओगे, बी इज इक्वल टू वन रिटर्न ए, तो इस बार आपको इधर नहीं जाना, इधर जाना है, तो आपके पास आंसर है रिटर्न ए, तो यहां पे रिटर्न वैल्यू कितना हो जाएगा, थ्री, ए का वैल्यू जो भी है। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिटर्न वैल्यू मिलेगा किसको, हमेशा याद रखना रिटर्न हमेशा उसी को मिलता है जो कॉल करता है। सो इस वाले फंक्शन को, इस वाले को जहां पे हम अभी हैं, इसको इसने कॉल किया था, और इसको इसने कॉल किया था, और इसको इसने कॉल किया था, और इसको इसने कॉल किया था, तो हमेशा रिटर्न वैल्यू धीरे धीरे ऊपर जाएगी, जैसे ये रिटर्न वैल्यू वापस जाके इसको मिलेगी, और इसका ये वाला पार्ट थ्री हो गया, तो यहां पर ए का वैल्यू ऑलरेडी थ्री था, यहां से थ्री मिला, ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा, तो इसका रिटर्न वैल्यू सिक्स बन जाएगा, देखना सी, इसका रिटर्न वैल्यू सिक्स बन गया। अब इसका रिटर्न वैल्यू ऊपर वाले के थ्री से मिलेगा, तो इसका रिटर्न वैल्यू नाइन बन जाएगा, ये देखो। अब इसका रिटर्न वैल्यू इसके थ्री से मिलेगा, तो इसका रिटर्न वैल्यू ट्वेल्व बन जाएगा, और यही आप वापस रिटर्न करोगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो दैट इज हाउ रिकर्शन वर्क्स। सो एक एक करके आप नीचे आते हो, बेस कंडीशन हिट करते हो, और फिर एक एक करके ऊपर जाते हो, ठीक है। अगर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यू कैन सी कि ये पूरा रिलेशनशिप, ये पूरा जो बिहेवियर था, दिस इज वेरी क्लोज टू स्टैक्स। स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो फंक्शन सबसे पहले ट्रिगर हुआ वो सबसे लास्ट में क्लोज हुआ, यहाँ पे वही तो हुआ था, जो फंक्शन सबसे बाद में आया वो सबसे पहले सॉल्व हुआ, और जो फंक्शन सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में सॉल्व हुआ। तो अगर आपको कोई बोले कि आप एक नया लैंग्वेज बना रहे हो, वहां पे रिकर्शन का फीचर डालना है, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, तो योर आंसर शुड बी स्टैक्स यूज करेंगे, ठीक है। और एक्चुअली स्टैक्स यूज होता है रिकर्शन के फीचर को लगाने के लिए, ठीक है। तो ये आई गेस आपको थोड़ा सा समझ में आया। अब लेट्स डू वन मोर प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल आपको बताने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल होता है बेसिकली उस नंबर से वन तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बैकवर्ड। आपको एक कोड लिखना है जहाँ पे आप फैक्टोर फॉर यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, और ये कोड आपको रिकर्शन से करना है। ओके, चलो मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ, अगर आप लोग नहीं समझ पाए। एक्चुअली ईजी है, आप एक फंक्शन बनाओगे फैक्टोरियल, जिसमें आपको एक नंबर मिलेगा। यहाँ पे भी आपको दो चीज़ें करनी है गाइज, आपको पहले पता करना है कि बेस केस क्या है, जिसका आंसर आपको पता है पहले से। आपको पता है वन फैक्टोरियल इज वन, तो आपका बेस केस हो जाएगा इफ नंबर इज इक्वल टू वन। अगर नंबर वन है तो आपको सीधे पता है कि फैक्टोरियल का आंसर इज वन। एल्स अगर वन नहीं है तो आपको पता है कि कभी भी फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है, फाइव फैक्टोरियल इज एक्चुअली इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाइड बाय फोर फैक्टोरियल, राइट। सिमिलरली फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री फैक्टोरियल। तो आप बस क्या कर दोगे, आप रिटर्न कर दोगे नंबर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल नंबर माइनस वन, एंड दैट्स इट। और अगर आप यहाँ पे प्रिंट करो कि फैक्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पे नंबर में पास करूँ फाइव, तो क्या मेरा आंसर 120 आता है। अगर आता है तो हमारा कोड सही है, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन वाला कोड काम कर रहा था, वेरी सिमिलर, ठीक है। सिंपल था, आई गेस समझ में आया आपको। अब एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, ठीक है। दिस वन इज प्रोबेबली स्लाइटली डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है। दिस वन पैलिंड्रोम, आपको एक कोड लिखना है जहां पर आपको इनपुट में एक स्ट्रिंग मिलेगा, और आपको बताना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। सो देखो, द लॉजिक दैट वी आर गोइंग टू यूज इज एक्चुअली गुड, इट्स नॉट लाइक बहुत ईजी था समझना इस चीज को। देखो, लेट्स से आपके पास कोई पैलिंड्रोम है, लेट्स से मैडम, ठीक है। तो सबसे पहले रिकर्शन में आप हमेशा दो चीज करते हो, फर्स्ट यू फाइंड द बेस कंडीशन, व्हाट इज द बेस कंडीशन, ठीक है। सो बेस कंडीशन इज बेसिकली समथिंग जिसका आंसर आपको पहले से पता है, राइट।
सो कौन सा स्ट्रिंग ऐसा होता है जिसको बिना देखे भी आप बता सकते हो कि वो पैलिंड्रोम है? आई गेस आप समझ सकते हो, एनी स्ट्रिंग विच हैज ओनली वन कैरेक्टर इज अ पैलिंड्रोम. कोई भी स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर हो इज अ पैलिंड्रोम. ठीक है, तो बेस कंडीशन ये होगा कि अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू वन, तो आप सीधे रिटर्न कर दोगे पैलिंड्रोम इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. एल्स अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं है वन के बराबर तो क्या करना है? तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, आप फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर मैच करोगे. पैलिंड्रोम होने का एक कंडीशन ये होता है कि हमेशा फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम होता है, राइट? अगर ये दोनों सेम है तो आप इन दोनों को हटा दोगे और फिर जो बचा उसमें भी आप फिर से चेक करोगे, फिर से सेम है, इन दोनों को भी हटा दोगे, क्या बचा, डी. और डी सिंगल लेटर है तो बेस कंडीशन ट्रू हो गया और ये पैलिंड्रोम है. वेयर एज अगर आपके पास एक ऐसा स्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोम नहीं है तो फिर से सेम लॉजिक, ये दोनों सेम है, हटा दिया, यहां पे आया ए डी बी, ये और ये सेम नहीं है. जैसे ही ये होगा आप सीधे रिटर्न करोगे नॉट अ पैलिंड्रोम. दैट इज द लॉजिक गाइस, ये लॉजिक आपको इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, देखो कैसे करेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है प्रॉब्लम. वंस यू फिगर आउट दिस सॉल्यूशन उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. देखो, इसी फाइल में करते हैं. सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, लेट्स कॉल इट पैलिन एज इन पैलिंड्रोम. यहाँ पे हमें मिलेगा एक टेक्स्ट या एक स्ट्रिंग. ठीक है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा इफ लेंथ ऑफ टेक्स्ट इज इक्वल टू वन, फिर मैं सीधे प्रिंट कर दूंगा कि ये तो पैलिंड्रोम है. ठीक है, एल्स अब मुझे चेक करना है कि फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर मैच करता है कि नहीं. ठीक है, तो आई विल चेक इफ टेक्स्ट का फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू टेक्स्ट का लास्ट कैरेक्टर. अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को हटा दोगे और जो स्ट्रिंग बचेगा उसमें वापस ये सेम चीज चेक करोगे. तो इन अ वे आप सेम फंक्शन को कॉल करोगे पैलिंड्रोम को और आप नया स्ट्रिंग पास करोगे जिसमें फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर नहीं होगा, स्लाइसिंग कर दोगे. ठीक है, अगर फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर मैच ही नहीं करता तो फिर तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम एंड दैट्स द कोड गाइस. आई कैन एक्चुअली कॉल दिस फंक्शन विथ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स. मलयालम इज अ पैलिंड्रोम, और कोई नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग ले सकते हैं लाइक पाइथन. ठीक है, और इस कोड को अगर आप रन करोगे तो यू वुड सी द आउटपुट इज पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम नॉट अ पैलिंड्रोम. बट देर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर आप एक ऐसा स्ट्रिंग पास करो जो पैलिंड्रोम है बट इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, कैरेक्टर्स है उसके अंदर लाइक दिस अब्बा, तो यू वुड सी कि ये कोड आपका इस टेस्ट केस पे फेल कर जाएगा और क्रैश कर जाएगा. उसका रीजन ये है कि आपने क्या किया, आपने ए और इस ए को चेक किया सेम था हटा दिया, फिर बी और बी को चेक किया सेम था उसको भी हटा दिया, तो लास्ट में जो ये टेक्स्ट मिला दिस वॉज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए आपने लॉजिक ही नहीं लिख रखा. तो आपको बस क्या करना है, इस कोड को इस तरीके से चेंज कर देना है, लेस देन इक्वल टू वन. तो अब आप जीरो को भी कंसिडर कर रहे हो, एज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जीरो है उसको भी कंसिडर कर रहे हो, और अब आपका ये कोड काम कर रहा है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड द रैबिट प्रॉब्लम. ठीक है, सो 15th सेंचुरी में कोई इटालियन मैथमेटिशियन को ये प्रॉब्लम मिला था, वही सेम प्रॉब्लम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर. लेट्स से हमारे पास एक एक पेन है, पेन एक जगह होती है जहाँ पे आप रैबिट्स को रखते हो,
मतलब जैसे पोल्ट्री फॉर्म होता है उस तरीके से पेन है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ टू न्यूबॉर्न रैबिट्स आर पुट इन अ पेन, हाउ मेनी रैबिट्स विल बी इन द पेन आफ्टर 1 ईयर? दिस इज द क्वेश्चन। अज्यूम दैट द रैबिट्स ऑलवेज प्रोड्यूस वन मेल एंड वन फीमेल ऑफ स्प्रिंग। सो जो हमने शुरू में जो दो रैबिट्स को डाला था, एक मेल था एक फीमेल था, और उन दोनों ने रिप्रोडक्शन जब भी करना है तो हमेशा, मतलब जब भी वहां पे रिप्रोडक्शन होगा तो हमेशा एक मेल और एक फीमेल, एक कपल ही पैदा होगा, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है कि एवरी कपल कैन रिप्रोड्यूस वंस एवरी मंथ, महीने में एक ही बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज कि एवरी कपल कैन रिप्रोड्यूस वंस दे आर 1 month ओल्ड, मतलब अडल्ट होने में या जो भी पीरियड होता है, बायोलॉजिकल टर्म मुझे नहीं पता इस चीज का, बट दे विल हैव टू बी 1 month ओल्ड इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस, उसके पहले रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। एंड द लास्ट वन इज कि कोई भी रैबिट मर नहीं रहा है उस पेन के अंदर, रैबिट मर नहीं रहा है। तो कंसिडरिंग दीज 4 पॉइंट्स, यू हैव टू टेल कि 1 साल के बाद उस पेन के अंदर कितने पेयर ऑफ रैबिट्स होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप कॉपी पेन निकाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कोई बताएगा कि 0th डे पे जब वहां पे एक भी रैबिट नहीं डाला गया तो वहां पे कितने पेयर ऑफ रैबिट्स होंगे? 0। 1 month आज खत्म होने वाला है, खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने वाला है। मान लो 31 तारीख है आज, तो अभी पेन के अंदर कितने पेयर ऑफ रैबिट्स होंगे कोई बताएगा? पेयर ऑफ रैबिट्स, पहला महीना खत्म होने के जस्ट पहले, 1, राइट? 1 ही होगा। दूसरा महीना खत्म होने के जस्ट पहले, दूसरा महीना खत्म होने के जस्ट पहले अब कितने पेयर ऑफ रैबिट्स होंगे? 2, क्योंकि अब पिछले वाले ने एक कपल को रिप्रोड्यूस किया होगा, ओके। नेक्स्ट, तीसरा महीना खत्म होने के जस्ट पहले देर विल बी 3 pairs। सोच के देखो, जो सबसे पुराना वाला था उसने एक और कपल को पैदा किया होगा, और जो दूसरा जो पहले पैदा हुआ था उसने अभी पैदा नहीं किया होगा क्योंकि वो 1 महीने का नहीं है, ठीक है। चौथे महीने के एंड में देर विल बी 5, सोच के देखो। और अगर आप कॉपी में ये ड्रॉ करते जा रहे हो तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, कोई बताएगा वो पैटर्न क्या आ रहा है? दैट पैटर्न इज 0, 1, 2, 3, 5। इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 8, फिर 13, फिर 21। सो एक्चुअली ये फिबोनाकी का पैटर्न है। सो फिबोनाकी फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ओनली। सो वी आर एक्चुअली डीलिंग विथ फिबोनाकी, ठीक है। सो नाउ आई वॉन्ट कि आप फिबोनाकी का कोड करो, मतलब आई वॉन्ट यू टू राइट अ पीस ऑफ कोड जो, जिसको अगर आप मंथ बताते हो, जैसे यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ पे ये सीन था कि आफ्टर ऑन 0th डे देर वर 0 कपल्स, जस्ट 1 महीना चल रहा है जब, तो एक ही कपल था। दूसरा महीना चल रहा था 2 कपल्स थे, तीसरा महीना चल रहा था 3 कपल्स थे, चौथा महीना चल रहा था 5 कपल्स थे, एंड सो ऑन। सो हमें पता करना था कि 12th के एंड में कितने कपल्स होंगे, हमें ये पता करना है। तो आई वॉन्ट यू टू राइट अ प्रोग्राम जहां पर आपको ये इनपुट मिलेगा और आपको ये आउटपुट बताना है, मतलब अगर आपका इनपुट 4 हो तो आपका आउटपुट 5 होना चाहिए, ठीक है। ये कोड लिखना है आपको। सो फिबोनाकी का कोड बेसिकली कि इस पर्टिकुलर टर्म में क्या वैल्यू होगा ये आपको बताना है, ठीक है। कोड बहुत सिंपल है गाइस, द कोड इज दिस कि लेट्स क्रिएट अ फंक्शन फिब जिसको इनपुट में मिल रहा है मंथ। आप चेक करोगे इफ एम इज इक्वल टू 0 और एम इज इक्वल टू 1, यू वुड रिटर्न 1। एल्स अगर मंथ कुछ और है, मतलब आपको पहले से पता है ना 0 और 1 में आपका आंसर 1 ही होगा, ये आपको पहले से पता है। आगे वाले महीनों के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, फिबोनाकी में सिंपल फंडा क्या होता है कि आपको कोई भी टर्म अगर निकालना है तो वो टर्म एक्चुअली पिछले 2 टर्म्स के सम के बराबर होता है, राइट? तो आपको बस ये कोड लिख देना है
रिटर्न फिबोनाची ऑफ एम माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ एम माइनस टू एंड दैट्स इट। सो अगर आपको प्रिंट करना है कि फिबोनाची 12 महीनों के बाद क्या सीन था, तो एक्चुअली अगर आप इस कोड को रन करो तो दिस इज द आंसर 233। सो मतलब आफ्टर 1 ईयर वहाँ पे 233 पेयर ऑफ रैबिट्स थे, ठीक है। अगर आप इसको 24 कर दो तो आपको पता चल जाएगा 2 साल के बाद कितने पेयर ऑफ रैबिट्स थे, एंड यू वुड सी नंबर बहुत तेजी से भागता है, एंड द आंसर इज 75,000 पेयर, मतलब 1.5 लाख। अगर आप इसको 36 कर दो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको दिखेगा कि इनसेन नंबर्स आ रहे हैं। देखो अभी कैलकुलेट हो रहा है ये, क्योंकि टाइम लगेगा, बड़ा नंबर है। सी इफ यू कैलकुलेट दिस इज आई गेस 2,41,00,000। और अगर आपने गलती से यहाँ पे 48 कर दिया, अगर आपने यहाँ पे 48 कर दिया मतलब 4 साल के बाद कितने पेयर्स थे, तो ये कोड रन करता रहेगा और आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। सी अब मैं 1 घंटा भी यहाँ बैठे रहूँ अगर, उसके बाद भी हमारा प्रोग्राम आउटपुट नहीं दे पाएगा। इट इज़ सो स्लो, इट इज़ सच एन इनएफिशिएंट पीस ऑफ कोड, जो देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। ये देखो देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, लाइक 4 लाइन का कोड में हमने फिबोनाची को सॉल्व कर दिया, बट जब आप इसको रन करने जाओगे तब आप रियलाइज़ करोगे कि दिस कोड इज़ हाईली इनएफिशिएंट। क्योंकि आप जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ा रहे हो, इनपुट का वैल्यू बढ़ा रहे हो, आपका कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि क्यों ये कोड इतना इनएफिशिएंट है, इतना इनएफिशिएंट क्यों है ये कोड। अगर आपको कोई पूछे तो एक तरीका तो ये है कि आप पाइथन ट्यूटर में जाओ और जाके चेक करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं ये सेम कोड को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं ऑब्वियसली यहाँ पे 48 नहीं चला रहा, मैं 5 चला रहा हूँ, ठीक है। अब आपने अभी तक रिकर्शन में क्या देखा था कि रिकर्शन में फंक्शन दूसरे फंक्शन को, दूसरा फंक्शन तीसरे फंक्शन को कॉल करते करते आप बेस कंडीशन पे जाते हो और फिर आप ऊपर आते हो। बट इस कोड में आप देखना कि ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार नीचे जाके वापस ऊपर आओगे, आप कई बार ऊपर नीचे करोगे, ठीक है। देखना नीचे जा रहे हो आप, नीचे जा रहे हो और फिर आप ऊपर आ रहे हो। सी अब आप ऊपर आ रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम ऊपर आ जाओगे, फिर से आप नीचे जाओगे। देखो फिर से आप नीचे जा रहे हो। तो द क्वेश्चन इज कि ये नॉन लीनियर बिहेवियर क्यों है। नॉर्मली रिकर्शन में क्या होता है, एक बार आप नीचे जाते हो, बेस कंडीशन आता है, उसको सॉल्व करके आप ऊपर आते हो। यहां पे क्या हो रहा है कि आप नीचे जा रहे हो, फिर ऊपर आ रहे हो, फिर नीचे जा रहे हो, फिर ऊपर आ रहे हो। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये वियर्ड बिहेवियर। एक्चुअली दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच दिस कोड इज हाईली इनएफिशियंट, लाइक रियली इनएफिशियंट। कोई बता सकता है क्या रीजन हो सकता है इस बिहेवियर का। हाँ, इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, देखना एक बार मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर आपको फिबोनाची ऑफ 5 सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको फिबोनाची ऑफ 3 और फिबोनाची ऑफ 4 सॉल्व करना है। फिर आप इसको सॉल्व करने जब आओगे तो फिबोनाची ऑफ 4 को सॉल्व करने के लिए आपको फिबोनाची ऑफ 3 और फिबोनाची ऑफ 2 को सॉल्व करना है, और फिबोनाची ऑफ 3 को सॉल्व करने के लिए आपको फिर से फिबोनाची ऑफ 2 और फिबोनाची ऑफ 1 को सॉल्व करना है, और इस 2 को सॉल्व करने के लिए आपको फिर 1 और 0 को सॉल्व करना है, जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। फिर आप इस 2 को फिर से सॉल्व कर रहे हो, और फिर इस 3 के लिए इस 2 को फिर से सॉल्व कर रहे हो, और फिर 1 और 0 को फिर से सॉल्व कर रहे हो। सो यू कैन सी दिस कोड इज इनएफिशियंट बिकॉज यहां पर आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट आपने शायद नहीं पढ़े अभी तक, बट आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इट इज 2 to the power n। मतलब हर चीज को करने के लिए आपको 2 और चीजें करनी है, फिर उस चीज को करने के लिए फिर से 2 और चीजें करनी है। मतलब अगर आपको 12, अगर आपको 1 महीने के बाद क्या होगा ये निकालना है, तो आपका टाइम जो लगेगा, सेकेंड्स जो लगेंगे, वो होगा 2 की पावर 1 के ऑर्डर का। बट अगर आपको 48 का निकालना है तो वो हो जाएगा 2 की पावर 48। इमेजिन दैट नंबर, इट इज सच अ बिग नंबर। दैट्स वाई इस पॉइंट पे मेरा मशीन आंसर नहीं निकाल पा रहा, बिकॉज ऑफ दिस ट्री फॉर्मिंग, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज इनएफिशियंट, राइट। इनफैक्ट आई कैन शो यू कि टाइम कितना ज्यादा लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम कर सकते हैं इस कोड को। मैं आपको कोड को टाइम करके दिखाता हूँ, आपको हमेशा आउटपुट को आप टाइम करके देख सकते हो। देर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड टाइम, और मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं एक स्टार्ट बोल के एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं टाइम डॉट टाइम स्टोर कर रहा हूँ। हम डेट एंड टाइम मॉड्यूल अलग से पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। ये टाइम डॉट टाइम क्या करता है, ये करेंट टाइम को यहाँ पे स्टोर कर लेता है, ठीक है। फिर मैंने इसको कॉल किया और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ टाइम डॉट टाइम। कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद जो करेंट टाइम है माइनस स्टार्ट, तो ऑटोमेटिकली इस कोड को रन करने में जितना टाइम लगा वो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो देखना, अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ फॉर लाइक लेट्स से 12, 12 के लिए, तो द आउटपुट इज दिस, इतना ही सेकेंड्स लगा बस, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ फॉर 24, तो देखो 0.002 अभी भी ठीक है। अब मैं जैसे इसको करता हूँ 36 और इसको अब रन करता हूँ, ये देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, सी 6 सेकेंड्स लगते हैं। 36 को 37 करता हूँ, सिर्फ एक से मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ और टाइम देखना कितना बढ़ जाएगा। नाइन सेकेंड्स। अगर मैं इसको 38 कर दूं, तो यू कैन सी इनपुट के साथ टाइम का रिलेशनशिप इज एक्सपोनेंशियल टू की पावर, एंड दैट इज व्हाई दिस कोड इज वेरी वेरी बैड। इमेजिन आप इस कोड को एक वेबसाइट में डाल रहे हो जहां पे आप फॉर्म में बोल रहे हो, यूजर से नंबर मांग रहे हो, यूजर ने डाल दिया 500, अगला पेज लोड होने में सालों लग जाएंगे, इतना इनएफिशियंट कोड है ये, ठीक है। देखो 15 सेकेंड लग गए, और ऐसे करते करते अगर मैं 48 कर दूं तो 1 घंटा लग जाएगा। एक्सपोनेंशियल है, लाइक द कर्व इज लाइक दिस, बहुत तेजी से ऊपर उठता है टाइम का, मतलब दिस इज द कर्व। अगर आप एक कर्व बना रहे हो जहां पे आप यहाँ पे एम का वैल्यू ले रहे हो, मंथ का वैल्यू, यहाँ पे 12, यहाँ पे 24, यहाँ पे 36, यहाँ पे 48 ले रहे हो, और यहाँ पे है कि टाइम कितना लगेगा कोड को एग्जीक्यूट होने में, तो ये कोड ऐसे जा रहा है, ऐसे एक्सपोनेंशियल है ये, एंड दिस इज प्रिटी बैड। क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा भी अपना इनपुट बढ़ाओगे, ये काफी बढ़ जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस कोड इज नॉट एट ऑल यूजेबल, ठीक है। और क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप करना क्या चाह रहे हो, आप एक ही चीज को बार बार कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज सो बैड, राइट। मतलब आप क्या कर रहे हो, फिबोनाची ऑफ 5 कैलकुलेट करने के लिए आप फिबोनाची ऑफ 3 दो बार कैलकुलेट कर रहे हो, और फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करने का मतलब है कि आप अंदर तक पूरा सब ट्री सॉल्व कर रहे हो, देख रहे हो, फिबोनाची ऑफ 2 तीन बार सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो इमेजिन करो अगर आप फिबोनाची ऑफ 48 कर रहे हो, तो बीच के कितने नंबर्स का सब ट्री को आप कितनी बार रिपीट करके कैलकुलेट कर रहे हो, और उसी में टाइम जा रहा है, और उसी की वजह से आउटपुट नहीं आ रहा है। नाउ टेल मी समथिंग, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सॉल्यूशन है इस चीज का, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स में आप कुछ नहीं कर सकते, आपका एक्सपोनेंशियल टाइम आएगा ही आएगा, लेकिन क्या उसका कोई सॉल्यूशन है, जैसे इस केस में ये जो आपको दिख रहा है इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू रिड्यूस द टाइम, व्हाट इज द सॉल्यूशन व्हिच कैन रिड्यूस द टाइम। हाँ तो देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि आप फिबोनाची ऑफ 3 अगर एक बार निकाल लिए तो दोबारा क्यों निकालोगे, राइट। सिमिलरली फिबोनाची ऑफ 2 अगर निकाल लिया तो यहाँ पे क्यों कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे क्यों कैलकुलेट करोगे। इंस्टेड आप क्या करोगे कि आपने जिन जिन वैल्यूज का कैलकुलेट कर लिया वैल्यू, आप उसको कहीं पे स्टोर कर लोगे। सो अगली बार जब उसका जरूरत पड़ेगा तो आप फिर से इतनी वैल्यूज कैलकुलेट करने नहीं जाओगे, इंस्टेड आप क्या करोगे कि आप उस वेरिएबल का वैल्यू को रीयूज कर लोगे, ठीक है। तो ये जो चीज हम अभी करेंगे इसको मेमोइजेशन बोलते हैं, MEMOIZATION, मेमोइजेशन। और ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोल के एक ब्रांच ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं, उनका पार्ट होता है ये, हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। बट द होल आइडिया इज दिस कि अगर आपको टाइम को घटाना है, कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप स्पेस बढ़ा सकते हो। क्योंकि सोच के देखो, यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं खूब सारी वैल्यू स्टोर करूंगा, फिबोनाची ऑफ 3 स्टोर करूंगा, फिबोनाची ऑफ 2 स्टोर करूंगा, ऐसी खूब सारी वैल्यू स्टोर करूंगा, तो मेरा स्पेस ऑब्वियसली बढ़ रहा है जो कि खराब बात है, लेकिन मेरा टाइम रिड्यूस हो रहा है। तो इसको बोलते हैं स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ,
सो कभी कभी आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना खराब होता है कि आप बोलते हो कि यार ठीक है कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है, लगने दो, बट एटलीस्ट मेरा प्रॉब्लम कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप यही करते हो, आप स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ करते हो, एक चीज को छोड़ देते हो और दूसरी चीज पे फोकस करते हो। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेमोराइजेशन। ठीक है, सो देखो इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पे रहने देता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ और इसका नाम रख देते हैं मेमो, लेट्स से मेमो। ठीक है, और इसको इनपुट में मिलेगा एक नंबर एम, और हम एक डिक्शनरी मेंटेन करेंगे, हम एक डिक्शनरी मेंटेन करेंगे जहाँ पे हर वर्ड का वैल्यू कितना है, हर मंथ के एंड का वैल्यू कितना है ये स्टोर्ड होगा। जैसे इनिशियली डिक्शनरी का वैल्यू ये होगा कि 0 का वैल्यू 1 होगा, 1 का वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, और फिर हम मेमो को कॉल कर देंगे बाय पासिंग आर कितने महीने का हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स से हमें कैलकुलेट करना है 48 मंथ के एंड में कितने रैबिट्स होंगे। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ मेमोइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बेस केस क्या होगा, यहाँ पे बेस केस ये है कि अगर आपकी डिक्शनरी में उस नंबर का की है तो आप सीधे उसका वैल्यू फेच कर दोगे। मतलब लेट्स से किसने पूछा 48 और यहाँ पे 48 का वैल्यू है, यहाँ पे 48 का वैल्यू है, तो आप कैलकुलेट नहीं करोगे, आप सीधे इसका वैल्यू फेच करके दे दोगे। ठीक है, तो बेस केस बहुत सिंपल हो गया, आपको बस ये लिखना है इफ एम इन डी देन रिटर्न डी का एम वाला की। ठीक है, एल्स अगर डिक्शनरी में नहीं है देन यू विल हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, देन यू विल हैव टू कैलकुलेट एंड द कैलकुलेशन वुड बी वेरी सिंपल। आप फिर से वही करोगे, आप लिखोगे मेमो को कॉल करोगे और एम के बदले पास कर दोगे m-1 और प्लस मेमो में ही यू वुड पास m-2। ठीक है, और दोनों जगह पे आप डिक्शनरी को पास कर दोगे क्योंकि पास करना पड़ेगा, और इस पूरी चीज को आप उठा करके वापस, अब सिंस आपने वैल्यू कैलकुलेट किया, ये नया वैल्यू कैलकुलेट हुआ तो इसको इस डिक्शनरी में भी डालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिक्शनरी में नया की m का वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस, और इतना करने के बाद विल सिंपली रिटर्न वॉट एवर इज इनसाइड d ऑफ m। दैट्स इट, दिस इज द कोड गाइस। और अब देखना इस कोड को जब हम रन करेंगे, दिस कोड विल बी एक्सट्रीमली फास्ट बिकॉज अब आप हर चीज बार बार नहीं कर रहे, हर चीज एक बार कर रहे हो। अगर है तो यहां से रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं है तो कैलकुलेट होके डिक्शनरी में डलेगा और फिर हमको आंसर मिल जाएगा। सो अगर मैं इसको रन करूं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे हमने डिक्शनरी पास नहीं किया, हमें बाहर से भी डिक्शनरी पास करना पड़ेगा। सो अब इसको रन करते हैं, अब क्यों टाइम ले रहा है इतना। m-1 m-2 क्या गड़बड़ किया हमने, उतना ही टाइम लग रहा है अभी भी। इंटरप्ट एग्जीक्यूशन, किसी को कुछ स्टूपिड एरर दिख रहा है क्या, प्रिंट ही नहीं किया। ओके थैंक्स, प्रिंट ही नहीं किया ना। अब रन करते हैं इसको, दिस इज द नंबर गाइस, आफ्टर 48 मंथ्स दिस इज द नंबर। और इसको भी अगर हम टाइम करें कि कितना टाइम लग रहा है कैलकुलेट होने में, इम्पोर्ट टाइम, यहां पर विल राइट स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, और फाइनली इसके बाद विल प्रिंट आउट टाइम डॉट टाइम माइनस स्टार्ट। नाउ लेट्स रन दिस, ये देखो उतना ही टाइम लग रहा है। इनफैक्ट यहां पे अगर मैं 500 भी भेज दूं कि 500 महीने के एंड में कितना होगा तो भी टाइम नहीं लगेगा। सी इतना बड़ा नंबर है, दिस इज द नंबर।
इतने पेयर्स होंगे वहां पे 500 महीने के बाद, बट टाइम अभी भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ऑल दो मेमोरी फिल हो रही होगी, मतलब अगर आप चाहो तो साथ में यू कैन ऑल्सो प्रिंट आउट कि डिक्शनरी में क्या स्टोर्ड है, एंड यू वुड सी कि ये डिक्शनरी बड़ी होती जाएगी। ये देखो, दिस इज द डिक्शनरी, दिस इज द डिक्शनरी। अब ये प्रिंट करके मैंने गलती कर दी, वैसे प्रिंट होने में टाइम लगेगा। अच्छा हो गया, अच्छा अभी हो ही रहा है। जो भी है, दिस इज द डिक्शनरी एंड इट विल ऑक्यूपाई सम मेमोरी, लाइक मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, बट यू कैन सी हमारा टाइम फास्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज वन बेसिक एग्जाम्पल ऑफ वाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज यूज या मेमोइजेशन क्यों यूज किया जाता है। ओके सो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। सो कितने लोगों को यहाँ पे पावर सेट्स पता है? किसी को पावर सेट पता है यहाँ पे? पावर सेट, अच्छा मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे 1 2 है, इसका पावर सेट क्या होगा? पावर सेट होगा ये एम्प्टी 1 2 1 2, दिस इज द पावर सेट, ठीक है। इसका पावर सेट क्या होगा? 1 2 3 का। इसका पावर सेट ये होगा, सॉरी, इसका पावर सेट होगा एम्प्टी सेट 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और फाइनली लास्ट में 1 2 3, दिस इज द पावर सेट, ठीक है। अब प्रॉब्लम सुनो, आपको क्या करना है, आपको इनपुट में मिलेगा एक लिस्ट जिसमें लिखा होगा ऐसे इनपुट, ठीक है, और आपको आउटपुट में ये लिस्ट बना के देना है जिसमें ऐसे लिखा होगा। ठीक है, जो भी ऊपर है वो लिस्ट के अंदर होगा। ये कोड आपको सॉल्व करना है रिकर्शन से, बोल दिया मैंने रिकर्शन ही यूज करना है आपको, यू कैन नॉट यूज लूप। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के 2 3 सॉल्यूशंस हैं, मैं आपको एक अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो आप क्या करोगे, मैं रिकर्शन वाला बता रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है, आप विदाउट रिकर्शन भी कर सकते हो, बट सिंस हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिकर्शन, वी आर गोइंग टू डू अ रिकर्सिव सॉल्यूशन, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास ये है 1 2, और हमें पता है इसका पावर सेट विल बी एम्प्टी 1 2 1 और 2, ठीक है। हमें इससे ये बनाना है, कैसे बनेगा देखो। आप क्या करोगे, 1 और 2 को पकड़ोगे और इसके फर्स्ट आइटम को उठाओगे, ठीक है। आप इसके फर्स्ट आइटम को उठाओगे और उससे दो चीजें बनाओगे, एक जिसमें वो आइटम रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब मैं 1 की बात कर रहा हूं, और सेकंड जिसमें वो आइटम रहेगा, मतलब इससे बनेगा एम्प्टी और 1। आई गेस सबको समझ में आ रहा है। मैंने फर्स्ट आइटम को उठाया और उससे मैंने ब्रांचेस क्रिएट कर दिए, एक ब्रांच में मैंने उस आइटम को नहीं डाला और एक ब्रांच में मैंने उस आइटम को डाल दिया, ठीक है। अब मैं सेकेंड आइटम को पकड़ूंगा और इन दोनों में घुसूंगा, सो मैं इस फर्स्ट वाले में घुसूंगा और इस आइटम को नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा तो फिर से क्या बचेगा, यही, और जैसे ही मैं इसमें डाल दूंगा तो फिर से क्या बचेगा, 2। अब मैं सेम इस ब्रांच के साथ भी करूंगा, मैं इसमें 2 नहीं डालूंगा, 2 नहीं डालूंगा तो क्या बचेगा, 1, और 2 डाल दूंगा तो क्या बचेगा, एंड दैट्स योर आंसर। समझ में आया? एक बार और देख लो, एक बार और देखते हैं, इसको देखते हैं हम 1 2 3 को, ठीक है। अब देखना, फिर से हम फर्स्ट वाले को लेंगे और नहीं डालेंगे, सेकंड वाले को, मतलब फर्स्ट वाले को लेंगे और डालेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाले को लेंगे, इसमें नहीं डाला और इसमें डाल दिया, फिर इसको पकड़ेंगे, इसमें नहीं डाला और इसमें डाल दिया, ठीक है। अब थर्ड वाले को पकड़ेंगे, इसमें नहीं डाला, इसमें डाला, इसमें
नहीं डाला, इसमें डाल दिया, इसमें नहीं डाला, फिर इसमें डाल दिया, और इसमें नहीं डाला, और फिर इसमें भी डाल दिया। एंड दैट्स इट गाइस, दैट इज हाउ यू जनरेट पावर सेट। एंड यू कैन सी दिस प्रोसेस इज एक्चुअली रिकर्सिव। आप बस हर बार नया आइटम लेकर के सेम ही फंक्शन को कॉल करके सेम ही काम करते जा रहे हो।